हेलो एवरीवन तो इस वीडियो में देखते हैं कुछ वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर यूपी पी जीआईसी एंड अदर एल्टी ग्रेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है तो इस वजह से पहला ये क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट हैविंग इज टू है इसको फाइव एट नाइन एट एंग्रॉ और इस वेट की जब लाइट यूज हुई टोटल नाइनटी टू फ्रिंजेस मिली ठीक कह रहे हैं इफ गि कलर लैमडा इज गर्ल टू फाइव फोर सिक्स वन एन इज यूज देन हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी अपियर एन टू पूछ है कितनी होंगी ठीक है हम जानते हैं कि जो पार्ट डिफरेंस होता है एन लेमडा ठीक है ये पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो यहाँ से एन एन वन लेमडा वन बराबर एन टू लेमडा टू कर सकते हैं है ना ये कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एन वन वन कितना है नाइन्टी टू फाइव एट नाइन एट टू फाइव फोर सिक्स वन इन टू एन टू इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग एन टू इज गल टू मिल जाएगा नाइनटी नाइन तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कह रहा है कि टू लाइट वेव हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी हैव सेम हैव इंटेंसिटी रेशियो फोर इज टू वन आई वन बाई आई टू फोर इज टू वन दे रखा है ठीक है इंटरफेयर करते हैं ठीक है इंटरफेरेंस होता होगा तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी मिलने लगी होगी कहीं कहीं कही जगह पे लाइट की तो वही पूछ रहा है आई मैक्स एंड आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं अंडर रूट आई वन वाई आई टू प्लस वन का होल स्क्ट आई वन वाई आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक आई वन वाई आई टू फोर एस टू वन है तो फोर एस टू वन यहां पे रख देंगे तो ये हो टू प्लस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा टू माइनस वन का होल स्क्वायर तो यहां से मिल जाएगा नाइन इच टू वन ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें कह रहा है कि टू बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी i एंड 4i इंटरफेयर टू प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन द फेस डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाई टू एट पॉइंट ए एंड पाई एट पॉइंट बी अच्छा कह रहा है कि दो i एंड 4i इंटेंसिटी की वेव हैं ठीक है और ये दोनों पहली बार मिलती हैं पॉइंट ए पर जहां पे फेस डिफरेंस हमें दे रखा है पाई बाई टू ठीक उसके बाद मिलते हैं ये कहाँ पे बी पर जहां पे फेस डिफरेंस दे रखा है कितना पाई तो कह रहे हैं कि यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी आई ए और यहां पे हो जाएगी इंटेंसिटी आई बी और आई ए माइनस आई बी पूछ रहे हैं क्या क्या होगा तो हम यहां से निकाल लेते हैं सबसे पहले आई ए आई एस गल्टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव है ना ये होता है फॉर्मूला तो यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं I, IA तो आई ए हो जाएगा आई प्लस फोर आई प्लस टू अंडर रूट फोर आई स्क्वायर कॉस फाइव कॉस फाइव पाई बाई टू कर देंगे pi आई टू मतलब कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी की वैल्यू होती है जीरो तो ये टर्न पूरा हो जाएगा जीरो तो यहाँ पे मिल जाएगा आई ए इजल टू चार पांच फाइव आई

टू और ये बाहर आ जाएगा टू 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 तो ये हो येगा तो तो और आई बी अभी आई तो ये फाइव आई माइनस आई कर देंगे तो कितना हो जाएगा फोर आई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फोर आई ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू वे वन एंड एस टू बोथ सोर्स डिफरेंस

फेस डिफरेंस जीरो दे रखा है ठीक है इस कंडीशन से हम पार्थ डिफरेंस निकालेंगे पार्थ डिफरेंस निकालेंगे तो वहां से करेक्ट ऑप्शन इसका हमको मिल जाएगा बट आ, हम जानते हैं इसमें पहले क्वेश्चन बोल दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू होना चाहिए कौन पाथ डिफरेंस ठीक है अब यहाँ देख लेते हैं पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेडा बाई टू कौन है यहाँ ऊपर जो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑप्शन गया इसको टू बनाएंगे तो ऊपर से टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इवन हो जाएगा इसको लेमडा बाई टू बनाने के लिए क्या करेंगे जैसे टू बाई ले तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ तो ये भी गया ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेवन बाई टू क्योंकि इलेवन बाई टू लेमडा है ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं इलेवन ले तो देखो ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी तो इस तरह से कभी कभी ऑप्शन देख के भी पड़ते हैं बाई वन इज टू ए साइन ओमेगा मतलब फोर साइन ओमेगा यहाँ से ए हो गया फोर ए वन इजगल टू हो गया फोर दूसरा ने रखा है तो थ्री ठीक है इंटरफेरेंस होता है इन दोनों के बीच में तो पूछा है कि द रिजल्ट एंड एम्प्टीट्यूड विल बी ठीक है उन दोनों के बीच का रिजल्ट एंड एम्प्टीट्यूड क्या होगा तो ये सिंपल क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे फेस डिफरेंस निकाल देंगे जो कि हो जाएगा पाई बाई थ्री ठीक है भाँ भाँ थ्री हो जाएगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये हो जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव तो यहां से सब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर्स इक्वल टू हो जाएगा फोर का स्क्वायर सोलह प्लस नाइन प्लस टू इंटू फोर इंटू थ्री इंटू कॉस फाइव की वैल्यू पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री का मतलब तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा थर्टी सेवन इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा आंसर छह ठीक है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटेंसिटी आई मैक्स आई मिनिमम इजगल टू आई मैक्स आई मिनिमम इजगल टू वन फोर्टी फोर बाई एन ठीक है ये दे रखा है पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इंटरफेरिंग वेव इस बार एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहे हैं है ना तो अभी तक फॉर्मूले हम लोग आई वन बाई टू प्लस वन का होल स्क्वायर कर देते थे ना इस बार होल स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि अंडर रूट आई मैक्स बाई आई मिनिमम माइनस वन सिंपली ये हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आई मैक्स बाई आई मिनिमम अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा वन फोर्टी फोर का हो जाएगा ट्वेल्व बाई नाइन ठीक है ट्वेल्व बाई नाइन हो जाएगा सिंपली तो यहां पे रख देते हैं ट्वेल्व बाई नाइन तो ट्वेल्व बाई नाइन प्लस वन ट्वेल्व बाई नाइन माइनस वन इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सेवन बाई वन तो सेवन इंस टू वन इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि टू इंटरफेरिंग वेव हैविंग इंटेंसिटी आर नाइन आई एंड फोर आई एक इंटेंसिटी है नाइन आई एंड दूसरी इंटेंसिटी है फोर आई ठीक पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज इलेवन लैमडा पाथ डिफरेंस है उनके बीच में डेल्टा एक्स है इलेवन लैमडा ठीक है द रिजल्ट द रिजल्ट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट अच्छा पाथ डिफरेंस है इलेवन लैमडा है ना एलेवन लेमडा अगर पार्ट डिफरेंस है तो हम कर तो सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट इंटेंसिटी इसमें क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है रिजल्ट इंटेंसिटी तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हैं लेकिन अगर टाइम बचाना है मतलब ये जो फॉर्मूला बेसिक पढ़ है रजल्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव इस फार्मूले से कर सकते हैं ठीक है इस इस क्वेश्चन को कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे पास पार्ट डिफरेंस दे रखा है यहाँ से हम फेस डिफरेंस निकाल लेंगे टू बाई वाई लेमडा करेंगे इंटू डेल्टा एक्स करेंगे तो यहाँ से हमें फेस डिफरेंस मिल जाएगा फेस डिफरेंस मिल जाएगा फाइव यहाँ रख देंगे फाइव देंगे आई वन आई टू तो है तो आंसर मिल जाएगा एक तो तरीका ही होगा करने का दूसरा तरीका ये हो गया कि हम यहाँ पे पता है अगर पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स एक्सल टू एलेवन लेमडा दिया है तो इसको देखेंगे अगर हम ऑड मल्टीपल देखो ऑड मल्टीपल जो होता है पार्ट डिफरेंस का ठीक है तो उस उसको बोलते हैं यहाँ पे बनना होगा मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर इवन मल्टीपल हमें मिलता है डिफरेंस डेल्टा एक्स ठीक है अगर इवन मल्टीपल मिलता है तो हम कह रहे हैं वहां पर मैक्म बनना होगा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा इस क्वेश्चन में डेल्टा एक्स इज टू कितना गिवन है लेमडा ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई इवन मल्टीपल है ना इवन मल्टीपल का मतलब क्या हो रहा है मैक्म मतलब बनना होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है अंडरवुट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर बात खत्म तो यहाँ पे हम रख देंगे अंडर रूट आई वन की जगह पर रख देंगे नाइन आई प्लस अंडर रूट आई टू की जगह पर रख देंगे फोर आई का होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे तो थ्री हो जाएगा टू थ्री टू फाइव फाइव तो हो जाएगा ट्वेंटी तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर रिजल्ट एंड इंटेंसिटी का तो इसमें हो जाएगा ट्वेंटी डी इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू इंटरफेयरिंग वेव हैविंग इंटेंसिटी एक्स एंड वाई टू इंटरफेयरिंग वेव हैविंग इंटेंसिटी एक्स एंड वाई उसके बाद कह रहे हैं कि मीट एट अ पॉइंट विथ टाइम डिफरेंस टाइम डिफरेंस इस बार दे रखा है कितना डेल्टा टी इजल टू थ्री टी बाई टू है टाइम डिफरेंस दे रखा है तो इससे हमें पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला होता है देखो अगर यहाँ पे हमें टाइम डिफरेंस रखना है है ना यानी कि अपॉन में टी रखना ही ये रखना है तो टी टी तभी कटेगा हमें एंगल कटना मिलेगा तो टू पाई बाई टी करते हैं अगर यहाँ पे हमें पार्ट डिफरेंस होता तो यहाँ लाइन कर देता सिंपली ये होता है फॉर्मूला ठीक है तो यहाँ से हम टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे टाइम डिफरेंस ही फेस डिफरेंस निकाल लेंगे कितना देर रखा टाइम डिफरेंस थ्री टी वाई टू 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 कैंसिल टी से टी कैंसिल पाई वाई टू मिल गया फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस आ गया पाई वाई टू अब हमें निकालना है यहाँ पे वट वट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इंटेंसिटी निकालना है आई इज टू पे जो थ्री पाई आ रहा है ये कैंसिल हुआ तो ये मिला थ्री पाई है ना थ्री पाई मिला ना तो ये हो जाएगा यहाँ पे थ्री पाई तो यहाँ पे कॉस थ्री पाई ठीक है तो अब यहाँ से हम निकालते हैं I टू आई वन आई टू आई वन आई टू कितना दे रहा है एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई कॉस्ट थ्री पाई इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी ठीक है आई इज गल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई ये आगे बढ़ते हैं इन यंग डबल सिट एक्सपेरिमेंट एन इंटरफेन्स पैटर्न इज ऑप्टेन ऑन स्क्रीन बाई अ लाइट ऑफ वेवल सिक्स थाउजेंड एंड कमिंग फ्रॉम द कोरेंट सोर्स एस वन एंड एस टू एट सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन थर्ड इज द पाथ डिफरेंस एस वन पी माइनस एस टू पी इन माइक्रॉन ठीक है आंसर आएगा माइक्रॉन में यानी कि यह सब वैल्यू माइक्रॉन की वेने ठीक पहली चीज यहाँ पे हमें निकालना है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो कि एस वन पी माइनस एस टू पी कह रहा है अच्छा वेवलेंथ गिवन कितनी सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉम तो इसमें क्या किया जाए कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स एस वन एस टू एट सर्टेन पॉइंट भी ऑन द स्क्रीन एंड थर्ड डार्क फ्रिज अच्छा हाँ ये इस इस लाइन को देखो थर्ड डार्क फ्रिज जो डार्क फ्रिज मिल रही है हमें वो भी थर्ड नंबर की और डार्क फ्रिज मिलने की कंडीशन क्या होती है इंटरफेरेंस में मतलब डार्क फ्रिज मिलने मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स गर्ट टू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमंडा बाई टू ना ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू ये होती है कंडीशन अब हमें यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हो रहा मिल है तो थर्ड बाई टू तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करने पर ये टू थ्री टू सिक्स यहाँ पे हो जाएगा फाइव, फाइव बाई इंटू टेन की पावर माइनस टेन तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 1.5 1.5 माइक्रोम ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है अ थिन मायका शीट ऑफ थिकनेस 2 एक थिन मायका सीट है जिसकी थिकनेस है 2 10 की पावर माइनस -6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ फर्स्ट वेव अच्छा मतलब ये यहां से जो दो स्लिटे गिवन थी और यहां पे एक इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो ऐसे ऐसे हो रहा है तो यहां पे इस बार क्या किया गया है एक थिन माइका का सीट रख दी गई है ठीक है जिसकी थिकनेस कितनी है टी और इफेक्टिव इंडेक्स म्यू है ठीक है तो इससे क्या होगा जो फ्रिंज होगी जैसे यहां बनने होगी इसकी जगह पे कहीं शिफ्ट हो जाएगी ऊपर नीचे इस तरह से हो सकती है सिफ्ट वो ऊपर नीचे शिफ्ट कितनी होगी वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आंसर माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो हम बता देते हैं शिफ्ट का फॉर्मूला होता है एस आई एफ टी शिफ्ट फॉर्मूला होता है बीटा बाई लैमडा म्यू माइनस वन इंटू टी ठीक है ये होता है फॉर्मूला शिफ्ट का

बीटा लेमडा की वैल्यू कितनी है, है, है इसमें से वन माइनस कर देंगे तो हमें सिंपली मिलेगा आगे ये टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सेवन टेन की पावर माइनस टेन है ये थ्री जीरो तो माइनस सेवन हो जाएगा अपॉन में टू टू इंटू टेन की पावर माइनस ये टू से टू कैंसिल टेन की पॉवर माइनस सिक्स ऊपर जाएगा प्लस तो हो जाएगा सिंप्लीटा बाई फाइव इंटू टेन कैंसिल हुआ तो आंसर मिला टू बीटा आंसर कितना भी मिला आंसर मिल रहा हमें पॉजिटिव तो यहां पर सकते टू फ्रेंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल सोर्स इमिटेड वेव विच प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑफ के यूनिट

वट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन एट विच पाथ डिफरेंस इज अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई फोर है तो इस बार फेस डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई टू ठीक है दूसरे केस में फेस डिफरेंस आ गया पाई बाई टू ठीक है तो यहां से हम निकाल लेते हैं पहले सबसे टू आइडेंटिकल सोर्स विच प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑफ के यूनिट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन है ना तो यहां पे हम एक फार्मूला लगाएंगे हम जानते हैं कि यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है कि जो सोर्स है आइडेंटिकल सोर्स इमिटेड वेव विच इज प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑफ के यूनिट ठीक है इस बार देखो तो चेंज क्या हो रहा है फेस चेंज हो रहा है ना इसका पहली बार टू पाई था दोबारा पाई बाई टू हो गया तो इसमें इस बार ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग आई इज गल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू वाला फॉर्मूला ठीक है ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला तो यहां से हमारे पास हो जाएगा आई वन बाई आई टू इज गल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव वन बाई टू अपॉन फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव टू बाई टू है ना ये कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव वन बाई टू फाइव वन की है टू पाई तो यहां पे हो जाएगा कॉस टू पाई बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई टू बाई टू हुँ? तो यहां से हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर पाई पाई बाई ठीक तो इस यहां पे इसको और सॉल्व कर लेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर पाई कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन माइनस वन हो जाएगा प्लस वन अपॉन न बाई फो कॉस स्क्स पाई बाई फोर होता है cos 45, cos 45 की वैल्यू होती सिंप्ली वन बाई टू तो यहाँ वन बाई टू तो ये ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा सिंपली टू ठीक है सिंपली टू मिल जाएगा यहाँ पे अब आई वन आई वन कितना था क्वेश्चन में आई वन कह रखा है क्वेश्चन में आई वन देखे कह रहे हैं कि टू आइडेंटिकल सोर्स इमिटेड वेव विच प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑफ के यूनिट ठीक है पहली बार uh, में इंटेंसिटी ऑफ के यूनिट बना रहे थे ना तो आई वन बराबर हो जाएगा के सिंपली के बाई आई टू तो यहां से हम अगर आई टू निकालेंगे तो वो हो जाएगा के बाई टू तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू स्लिट एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर आर एल्यूमिनेटेड बाई द लाइट ऑफ वेवलेंथ सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सेवन मीटर the interference fringe are observed on a screen placed at a distance of 1 meter the distance between third third dark and fifth bright fifth bright इसमें कह कहना है डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ठीक है ये पूछा था तो, जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एर्थ ब्राइट एंड सेवेंथ डार्क एर्थ ब्राइट एंड सिक्सटी डार्क इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं इनके बीच की डिफरेंस पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक तो ध्यान रखना है कि फ्रिंज बीट हमारे पास होती है बीटा इज गर्ट टू डी लैमडा बाई डी ठीक है इसको ध्यान रखना है फॉर्मुले को अब इसमें देखते हैं कि थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट के बीच की पूछ रहा है ना तो हम कर देंगे जो ब्राइट वाला है उसको तो एज इट इज ले लेते हैं नंबर फिफ्थ माइनस जो थर्ड डार्क है तो उसको कर देंगे टू पॉइंट फाइव अगर हमारे पास हमसे बोला गया था फोर्थ डार्क तो हम कर देते थ्री पॉइंट फाइव अगर बोला गया होता सिक्स डार्क तो कर देते हम फाइव पॉइंट फाइव अगर बोला जाता हमसे एर्थ डार्क एट देखो डार्क वाले में पॉइंट फाइव कम कर दिया जाएगा क्योंकि देखो डार्क जो कब बनता है जब लेमडा बाई टू के मल्टीपल में होगा हमारे पास है ना लेमडा बाई टू के ऑड मल्टीपल में होता है ना तो जो बाई टू का फर्क आता है तो वही हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग को ब्राइट के इक्वलेंट जो वैल्यू है वो मिल जाती है तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए एक जो टर्म वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टू ठीक है तो सिंपली अब हमें यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देना है डी की वैल्यू गिवन है वन है और लेमडा की वैल्यू कितनी गिवन है सिक्स पॉइंट फाइव इंटू की पावर माइनस अपॉन में डी डी कितना है सेपरेशन सेपरेशन इनके बीच का है है मिलीमीटर ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा मिलीमीटर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ठीक है तो ये चीज ध्यान रखने इस कंसेप्ट को फिर से अगर बता देते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो कि डी दे दिया गया है हमें सेपरेशन दे दिया गया है वेवलेंथ दे दी गई है और स्मॉल डी दे दिया गया है ठीक है बोला जाएगा ट्वेंटी सेवेंथ डार्क एंड ट्वेंटी वन ब्राइट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी तो आपको करना क्या ट्वेंटी सेवन डार्क बोल रखा है ट्वेंटी सेवन को ले ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव माइनस ट्वेंटी वन और इसको जब निकाल लेंगे तो इसमें सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें मिल जाएगा सिंपली फोर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मिल जाएगा है ना फाइव पॉइंट फाइव ठीक है इस फाइव पॉइंट फाइव को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव पॉइंट फाइव को डी लेमडा बाई डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंट फोर थाउजेंड एंड लाइट ऑफ वेवलेंट फोर थाउजेंड एंड इज यूस्ड एंड फ्रिंज आर फॉर्म एट टू मीटर डिस्टेंस फ्रिंज आर फॉर्मड एट टू मीटर डिस्टेंस एंड हैज्रिज विथ फ्रिंज विथ बीटाइज गल टू जीरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर अब इसमें बोला गया है फ्रिंज आर फॉर्म एट टू मीटर डिस्टेंस कहां से ये बताया ही नहीं गया ठीक है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले ही जोर लग रहा है फ्रिज बन नहीं होंगी क्या पता है? ये सोर्स से यहां पे स्क्रीन रखी हो टू मीटर ये भी मान सकते हैं अब यहाँ से सेंट्रल जो इसका पॉइंट होता है यहाँ से ये टू मीटर ये भी मान सकते हैं लेकिन ये टू मीटर बहुत ज़्यादा होगा ये तो होगा नहीं तो जाहिर सी बात है टू मीटर दे रखा है ये कैपिटल डी बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें कह रहे हैं इफ वॉल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन पॉइंट फाइव दैन विट ऑफ अ फ्रिज विल बी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव जिसका है उसमें अगर मीडियम uh, में अगर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो कह रहे हैं कि विट ऑफ फ्रिज क्या हो जाएगी तो इसमें सिंपली हमको पता है कि फ्रिज विथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी लेमडा बाई डी ये कॉन्सटेंटन ये टर्म यानी कि फ्रिज डिपेंड कर रही है लैमडा पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना चेंज हो जाता है अगर किसी मीडियम अगर मीडियम uh, का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो उसका जो लेमडा होगा लैमंडा डैस वो भी म्यू टाइम्स चेंज हो जाता है तो सिंपली यहाँ पे जो फ्रिज वीट होगी मीडियम में वो हो जाएगी एयर में जो कि जो थी अपॉन म्यू तो एयर में थी जीरो पॉइंट सिक्स यहाँ वन पॉइंट फाइव तो से डिवाइड कर देंगे तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा जीरो पॉइंट फोर करेक्ट आंसर ठीक है जीरो पॉइंट फोर मिलीमीटर ठीक है इस क्वेश्चन में कह रहे हैं सोर्सली रिलेटिव टू दिलिट्स यानी कि जो इक्वल विथ की से मतलब आई जो यहां से उनकी इंटेंसिट, दो, दो, दो इंटेंसिटी सेम होगी मतलब आई और आई होगी ठीक है सेम इंटेंसिटी होगी और यहां पर कह रहे हैं कि द इंटेंसिटी एट सेंट्रल फ्रिज इज आई नॉट मतलब सेंट्रल जो फ्रिज यहां पर बन रही थी ये स्लिट से लाइट निकल के, से के सेंट्रल पर जो फ्रिज बनी थी उसकी तो इंटेंसिटी है आई नॉट

आई नॉट इजगल टू क्या हो जाएगा आई यहाँ पे एक कवर कर दिया फोर आई क्योंकि यहाँ पे आई आई इंटेंसिटी की लाइट चल रही थी ना ठीक है और हमें सेंट्रल पे कितनी मिल रही है आई नॉट मिल रही है तो ये हो जाएगा आई नॉट इजगल टू फोर आई ठीक है आई आई इंटेंसिटी की लाइट चली थी तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मुला क्या हो जाएगा हो जाएगा आई इज इजल टू फोर आई फाइव बाई टू हो जाएगा और आईड क्वेश्चन ने बोला है कि आई नॉट है तो यहाँ पे आई नॉट कर दिया ठीक है यहां से मिला हमें इज गल टू आई नॉट बाई फोर ठीक अब अगर कह रहे हैं कि एक क्या कहते हैं बंद हो जाती है तो हमें सिंपली कितना मिलेगा तो हमें रिजल्टेंट यहाँ पे आई नॉट बाई आई की वैल्यू होगी आई नॉट आई नॉट बाई फोर है यानी कि आई नॉट बाई फोर ये थी और आई नॉट बाई फोर ये थी अब एक बंद भी कर दिया मतलब एक बंद भी कर दिया तब भी एक तो लाइट जा रही है भले इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है यहां पे इंटरफेरेंस नहीं हो रहा ध्यान रखना नो इंटरफेरेंस ठीक है बट हमें ये इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है